आंखों से देखा ना हो, लेकिन क्या ऑडियंस को देखने को मिलेगा फिल्म केजीएफ का तीसरा भाग? क्या इस फिल्म में यश ही अपने किरदार को कंटिन्यू करते दिखेंगे या फिर ये एक्टर कर सकते हैं उनको रिप्लेस? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यश की सुपरहिट पैन इंडिया फिल्म केजीएफ के बारे में तो आप सब जरूर जानते ही होंगे, और अब 16 जुलाई को इसका सीक्वल भी रिलीज होने जा रहा है, जिसमें यश के ढांसू स्टाइल और एक्शन के साथ ही संजय दत्त का विलेनस अवतार और रवीना टंडन की शातिर नेतागिरी भी देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है कि हर बीते दिन के साथ फिल्म को लेकर ऑडियंस की बेसब्री बढ़ती ही जा रही है, और अब तो फैंस ये जानने के लिए भी बेकरार हैं कि ये सुपरहिट फ्रेंचाइजी का सफर केजीएफ 2 के साथ ही खत्म हो जाएगा या फिर हमें फिर से रॉकी की रॉकिंग पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी इसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि फिल्म केजीएफ 2 में केजीएफ की ही कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, इसीलिए व्यूअर्स के मन में ये सवाल था कि क्या ये इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी या फिर हमें नई कहानियों के साथ उसके मजे वापस लेने का मौका मिलेगा। तो इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कहा है कि सिर्फ सीरीज को बढ़ाने के लिए ही वो कहानी का तीसरा पार्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर उन्हें इसकी जरूरत लगी तो वो इससे चूकेंगे भी नहीं। इस तरह डायरेक्टर ने साफ कर दिया है कि अगर कहानी में सीक्वल का स्कोप रहता है तो वो केजीएफ 3 लेकर जरूर आएंगे। इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच अर्जुन रेड्डी फेम विजय देवाराकोंडा का बयान आया है कि वो प्रशांत नील के साथ मिलकर केजीएफ 3 की सीक्रेट प्लानिंग करेंगे। इसके साथ व्यूअर्स ने उन्हें इस फिल्म के सीक्वल से जोड़ना शुरू कर दिया है, और वैसे भी रॉकी की ही तरह विजय ने भी अपने फिल्मों में कई बार एंग्री लवर से लेकर डैशिंग मैन विद बियर्ड का किरदार बखूबी निभाया है। तो हो भी सकता है कि मेकर्स भी इस चीज को कंसिडर करें और विजय की फिल्म में रॉकी के नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर एंट्री हो जाए। अब क्या केजीएफ 2 में किसी कंटिन्यूएशन का स्कोप है या नहीं, ये तो 16 जुलाई को ही पता चल सकेगा। खैर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर वाकई में फिल्म का तीसरा भाग आता है तो आप किस एक्टर को उसमें देखना चाहेंगे, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आपको बता दें कि आज की स्क्रिप्ट राइटर है उपासना पांडे।